वालेकुम अस्सलाम। देखिए हम लोग वीएक्स का टॉपिक है ये कर रहे हैं और इसमें फाइल मैंने ग्रुप पे भेजी है, इसको आप ग्रुप पे खोल लो और पहले क्वेश्चन को देखो। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, अ साउंड वेव मूव विद अ स्पीड ऑफ 320 मीटर पर सेकंड थ्रू एयर, द वेरिएशन विद टाइम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन एयर पार्टिकल ड्यू टू दिस वेव इज शोन इन द ग्राफ, विच स्टेटमेंट अबाउट द साउंड वेव इज करेक्ट। अब ये कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो पहले एक्स एक्सिस पे देखो क्या है, टाइम मिलीसेकंड, हाँ टाइम मिलीसेकंड, तो टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है 1/f, f होता है नंबर ऑफ साइकल्स अपॉन टाइम इन सेकेंड, दूसरा है v इज इक्वल टू f लैम्डा, तीसरा है 1 लैम्डा, फेज डिफरेंस 2π रेडियन, और 1 टाइम पीरियड फेज 60 डिग्री। और इस चैप्टर में हमने और क्या किया था, तो इंटेंसिटी वाला, हाँ इंटेंसिटी वाला मैंने वापस, वेवलेंथ क्या था, इंटेंसिटी वाला क्या था, I1/I2 और I is equal to a square था ना जी, amplitude is directly proportional to square is पे था, a पे था, a पर तुम इसको फिर कॉपी कर सकते हो, फिर हम इसको ग्रुप पे डाल देंगे सबका फाइनल में। आई वन तो पिक्चर ले लिया, नहीं नहीं कॉपी करना, पिक्चर तो मैं भी ले सकता हूँ, पिक्चर वो बात आती नहीं है। अगर साफ साफ लिखोगे ना तुम, पिक्चर साफ आ जाएगी इसकी, अगर रीडेबल आएगी जी, आप पिक्चर ले, मुझे पूरा करने दो, कॉपी पे तुम्हारी चॉइस है।
density is proportional. The formula is what there is. 1 upon separation square or I1 upon I2 और फिर क्या है नंबर 8 इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया और इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम और कोई फॉर्मूला है इस चैप्टर में सोचो फ्रिक्वेंट कहाँ आ गया और एम्पलीट कहाँ आ गया इधर से पिक्चर लेके मुझे सैंपल भेजो अलग से देखें कैसा आता है अगर सही साफ पिक्चर आए वरना फिर कॉपी कर लेते इसको थोड़ा सा लेफ्ट करके लगाओ ना दोबारा एक और पिक्चर लो और यहाँ इस तरफ आके लो ना टेढ़ी पिक्चर लाइट रिफ्लेक्शन आ रही नहीं लेकिन पिक्चर टेढ़ी आ रही है ना अगर तुम इसके पैरेलल आओगे तो पिक्चर सीधी आ जाएगी हाँ अब पैरेलल आओगे ना तो अब सही आएगी सही चलो अब पहला क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं इसका ये सॉल्व करो राइट तुम भी हमेशा जब वो हो गया तब बता रहे हो सो ग्रुप में वो मैसेज कर देंगे नहीं नहीं सही कर देते हैं ना एक पिक्चर और ले लेते हैं कि मेरा थ्री है रिकॉर्ड है बार बार कौन सही करता है चलो अब दोबारा पिक्चर लो ऐसे लो ना कि थोड़ा ये ऊपर का इतना पोर्शन नहीं आए थोड़ा ऐसी पिक्चर लो कि बस यही पोर्शन है वो नंबर भी आ जाए अच्छी सी फोकस ज्यादा करीब आओगे तो फिर और वो होगा ना एक्स्ट्रा आएगा उसमें तो आधा बोर्ड आ रहा है सेट का सही है चलो बोर्ड आने से कुछ नहीं होता लिखा हुआ सारा है जबरदस्त आने लेकिन अब छोटा हो गया सो उसमें टाइम स्किप
सो लैंडस्केप में अच्छा अच्छा देखिए बहुत बहुत ज़बरदस्त पिक्चर आ रही है। ठीक है अब तुम जो हो अब इसका जो पहला पार्ट है जो पहला क्वेश्चन हमने देखा फॉर्मूला शीट तो मैंने ग्रुप पे भी डाल दी। अब इसमें देखो पहला जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया कि टाइम पीरियड है 4 मिलीसेकंड 4 × 10⁻³ तो v हो गया f लैम्डा, लैम्डा है v अपॉन f 300 × 4 × 10⁻³ तो मेरे पास आ गया 1.28 मीटर। आंसर तो फिर आंसर जो होगा वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव इज 1.28 मीटर तो आंसर हो जाएगा डी। चलो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन देखें और वो क्या है कि अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज ट्रेवल एट 24 मीटर पर सेकंड थ्रू अ मीडियम व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स 2 मीटर अपार्ट। अब इसमें कैसे निकालेंगे 15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो ऐसा करते हैं कि पहले ना फ्रीक्वेंसी रखो और स्पीड रखो और लैम्डा निकाल लो क्योंकि जो फेज डिफरेंस का लिंक है फेज डिफरेंस या तो टाइम पीरियड से लिंक होता है या लैम्डा से लिंक होता है तो पहले ऐसा कर लो कि लैम्डा निकाल लो। लैम्डा 1.6 तो इसका मतलब 1.6 मीटर इज फॉर 360 डिग्री तो उससे रेशियो निकालो ठीक है। अब इसमें तुम कैसे करोगे कि पहले आ गया 1.6 लैम्डा इज इक्वल टू 2π रेडियन वन वेव इज इक्वल टू 1.6 मीटर x इज इक्वल टू 2 मीटर रेशियो लगाओ तो 1.25 1/4 आ गया तो अगर 1/4 वेव है तो आप उससे फिर कंपेयर कर लो यार आउट ऑफ फेज बाय अ क्वार्टर ऑफ अ साइकिल ठीक है तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा फिर बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब ये वाला क्वेश्चन अब इसमें पढ़ो वो कह रहा है कि अ वेव ऑफ एम्पलीट्यूड A has an intensity 3 watt per meter square. What is the intensity of a wave of the same frequency but amplitude? 2A. अब उसमें कौन सा formula लग सकता है? Sir, I1 upon I2. A1 upon I2. पर लेकिन sir, intensity, दूसरी intensity वो है. दूसरी intensity find करें. हाँ. तो वो I1 upon I2 है ना? Ratio लग जाएगी ना? पहले वाली की थी सर पहले वाली की थी बॉल बस फिर हो जाएगा उसको फिर पहले वाली पहले वाली I1 upon I2 is equal to A1 upon A2 का whole square तो 3 upon I2 और फिर A upon 2A को कर दिया तो I आ रहा है 12 अगर I आ रहा है 12 तो 12 के लिहाज से फिर आंसर होगा D तो इसका आंसर हो गया D। चलो अब ये वाला क्वेश्चन तो वो याद नहीं है मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो बोलो ना ग्रुप पे पढ़ा है वो तो तुम्हें देख के बता रहे हैं वो
न्यूक्लियस का डायमीटर होता है 10^-12, ग्रुप पे मैं लिख दीजिए, न्यूक्लियस का डायमीटर है 10^-12 होता है या -14 की रेंज होती है, तो फिर ये वो मैंने ग्रुप पे भेजा नहीं, नहीं न्यूक्लियस वाला नहीं, गैमा अल्फा बीटा गैमा वाला, हाँ तो उससे निकाल लो, अपने लिए तुम चाहो तो ये सब लिख लो आगे ना, अपने अपनी नॉलेज के लिए, अगर चाहो अपनी नॉलेज के लिए चाहो ना तो ये सारे कॉपी कर लो, ये काम आएंगे, याद करना भी आसान है। देखो गैमा -12 x -10 विजिबल -7 विजिबल -7 तक क्यों ड्रॉप हो, क्योंकि यूवी मिसिंग है, फिर इंफ्रा फिर दो दो का ड्रॉप है, तो ये याद करना बहुत आसान है, 2 से ड्रॉप होता जाता है तकरीबन, और न्यूक्लियस का डायमीटर होता है 10^-14। तो ये कंप्लीट करो, फिर अगला क्वेश्चन शुरू करो, इसके बाद में पहले एक कॉपी कर लो पूरी। चलो अब ये वाला देखो, इसका टू वेव्स, इसका जो एक साइकिल है वो आ रहा है तकरीबन 350 से आगे, 350 है, 360 कुछ ऐसा होगा। अच्छा ये अंदर वाली जो वेव है इसका साइकिल कितना है, इसको 460 लगा, 460 कैसे निकाल ना, तो ये शुरू तो यहां से है, एक साइकिल ये है या इसके दो, इन दोनों के दो दो साइकिल रीड कर ले, दो दो साइकिल तो बराबर आ रहे मतलब आप, नहीं ऐसा करते हैं दोनों के दो दो साइकिल रीड कर लेते हैं, इसका जो एक साइकिल है वो यहां तक, इसका 1.5 सेकंड शेष हो रहा है तो एग्जैक्ट रीड हो रहा है, और इसका जो यहां पर एक है यहां पर 1.5 है जी, तो दोनों का 1.5 सेकंड शेष हो रहा है,
फिर हम कैसे करेंगे? What could be the phase difference between the two waves? सर जो दूसरी वेव है उसका आधा डिफरेंस 100 तक आ रहा है। हाँ वो शुरू यहाँ से हुआ है ना, जब ये शुरू हुआ है अगर मैं इसको पीछे लेकर जाऊँ तो इसका जीरो यहाँ आएगा। तो लग ऐसी रहा है कि मुझे 100 ही लग रहा है। सर 100 ऑप्शन ही 150 है। 100 ऑप्शन है, 150 हो सकता है। सही, पहला नंबर प्रिंट, पहला नंबर क्या लिखा था? तो 150। 150 लिखा था? अब मैंने इसकी वर्किंग शो की है, दो वेव्स है मेरे पास, वेव वन और वेव टू, और मेरे पास ये जो डिफरेंस आ रहा है ये आ रहा है 100 का। तो अगर लैम्डा 360 है तो वेव टू के लिए 100 रखेंगे तो फिर ये मेरे पास आंसर आ रहा है 260। असल में मैंने पहले स्टेप ये किया है कि यहां से लेकर यहां तक, मतलब इसके क्रेस्ट से लेकर इसके क्रेस्ट तक 100 है, तो 100 का मतलब लैम्डा हो गया, लैम्डा 360 है तो वेव 2 के लिए 100 डिग्री 360 है, 360 माइनस 100 करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी पीछे 100 से ट्रैवल कर चुके हैं, तो अगर 100 करेंगे तो उसका मतलब है वो उसके पीछे कितने डिग्री है 260। ये वर्किंग शेप कर लो, अगर पेज डिस्टेंस 360 से ज्यादा है तो पॉजिटिव 60 होगा, 360 से कम है तो नेगेटिव 60 होगा। हां वो अगर आप उसको अहेड ले रहे हैं, अगर आप उसको आगे ले रहे हैं तो फिर ऐसे ही होगा, लैग बिहाइंड होता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि अ साउंड वेव हैज अ स्पीड ऑफ 330 एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50, व्हाट इज अ पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द वेव दैट इज अ फेज ऑफ 60 डिग्री। तो ये आसान है क्योंकि पहले v is equal to f lambda से lambda निकाल लेते हैं, और जो lambda होता है, lambda का मतलब phase difference कितना होता है, lambda का मतलब है कि इसका जो phase difference है वो 360 है, तो इसको 360 से रेशो कर देते हैं तो lambda आ गया 6.6। अब जो lambda है वो 6.6 है तो वो 360 है, तो x 60 डिग्री पे x निकल आएगा। हाँ तो आंसर आ रहा है 1.1। चलो अब ये वाला देखो, व्हाट इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन फॉर एन ऑब्जर्वेबल इंटर, अच्छा तो उस चैप्टर का ही, ये वाला छोड़ दे, ये अगले चैप्टर का, ये करते हैं नंबर 8। अ सीआरओ इज यूज्ड टू डिस्प्ले द ट्रेस फ्रॉम अ साउंड वेव, द टाइम बेस इज सेट एट 5 माइक्रो सेकेंड पर मिलीमीटर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। तो ये आसान है, फ्रीक्वेंसी में ऐसा करते हैं तो टाइम पीरियड उठा लो, पूरा पूरी वेव पूरी पूरी स्क्रीन गिन लो, कितने साइकिल है पूरी स्क्रीन पर, 1.5 साइकिल लग रहा है मुझे, 1.5 साइकिल, 1.5 साइकिल पे डब्बे कितने हैं, 5, और एक डब्बे का मतलब क्या है, 5 माइक्रो, तो बस रेशियो हो गई ना, 1.5 साइकिल फॉर 5 × 5 25 माइक्रो सेकंड हो जाए, तो 25 माइक्रो सेकंड कर दो 60,000। तो हम क्या बोलेंगे कि 1 cycle is equal to 3 division, 1 cycle is 30 millimeter, वो जो रेशियो लगी हुई है,
और फिर टाइम पीरियड निकलेगा, आंसर आ रहा है इसका 6.7 किलोहर्ट्ज। फिर ये हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, अ वेव पल्स मूव्स अलोंग अ स्ट्रेच रोप क्वेश्चन नंबर 9। पहले क्वेश्चन पढ़ ले, आंसर आएगा कैसे? इसमें ये कह रहा है कि अ वेव पल्स मूव्स अलोंग अ स्ट्रेच रोप इन द डायरेक्शन शोन। वेव पल्स ऐसे जा रही है। अब अगर ये ऐसे जा रही है तो वेव की थ्योरी क्या होती है कि जब ये आगे जाएगा तो ये वाली लाइन यहां बनेगी, ये ऐसे बनेगी कि ये वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा। अच्छा, ये खत्म होना है और यहां पर सीधी लाइन आनी है, तो इसका मतलब ये वाला पार्टिकल फिर ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर। ये चोंच यहां बननी है, तो ये चोंच कैसे बनेगी कि ये वाला पार्टिकल नीचे आएगा, ये वाला पार्टिकल भी नीचे आएगा यहां से पूरे, ताकि ये पूरी चीज यहां बने। ठीक है। विच डायग्राम करेक्टली शोज द वेरिएशन टाइम टी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अब वो कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैसे मूव करेगा इसका। अब इसका जो पार्टिकल है, टाइम टी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ द पार्टिकल पी इन द रोप, पार्टिकल पी जो है, हाँ सही, पार्टिकल पी का है, अच्छा पी है, देखो पी है, अब ये वेव आ रही है इस तरफ, तो पहले क्या होगा? पहले वो पार्टिकल पी ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, नहीं सर नीचे जाएगा, नहीं देखो ना, अगर ये ऐसे चलती भी आ रही है तो पहले इसको, ये चीज हमें ऐसी चलती भी जा रही पूरी, तो अब सोचो क्या होगा, पहले पी ऊपर जाएगा, फिर ऊपर रुकेगा, फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कौन सा है? तो डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ेगी, हाँ डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ेगी, बढ़ेगी प्लस में ऊपर जाएगी और कांस्टेंट रहेगी, उसके बाद फिर वो अपनी जीरो दिखा रहा है। अच्छा, जिसमें गैप, तो थोड़ा गैप ही है जी, इसका आने का वेट करेगा, ये डिस्टेंस यहां भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहां हो रहा है, सही। तो फिर जैसे ही वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर जाएगा तो वो वेव एक ऊपर बनेगी, हां सही, तो वो स्ट्रेट नीचे आएगा। अब इनमें से गैप तो सब में ही आएगा, लेकिन जब गैप आ जाएगा तो फिर P क्या करेगा कि P पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे जाएगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप कौन सा कह रहे हो? अस्सलाम वालेकुम सर, दो मिनट्स हार्ट बीट लेकिन दिल नीचे आकर काफी ठहर रहा है, देख रहा हूँ, पता नहीं क्या ठहर रहा है लेकिन ये वाला करो तुम लोग, ये दो क्वेश्चन करो। मैं
वॉल्केनो और कुछ का नैंसी का बहुत डेडिकेशन है, सॉरी बहुत डेडिकेशन है, लार्ज नजर आ रही
स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज करेक्ट. आंसर कौन सा पहला वाला क्या? ये कैसे सर? लाइट अपना यूवी लाइट, सॉरी जो सर विजिबल लाइट होती है, विजिबल लाइट का रेंज होता है 400 टू 700 नैनोमीटर. कौन सा आंसर रखूं? कैसे? सही. विच स्टेटमेंट अबाउट डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन व्हेन पोलराइजेशन, अच्छा पोलराइजेशन तो कोर्स में नहीं है, छोड़ दे. अच्छा विच स्टेटमेंट अबाउट वेव्स इज करेक्ट? एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल एट द सेम स्पीड इन अ वैक्यूम. गलत है. क्यों? नहीं तो, अरे वो तो स्पीड कह रहे हैं. All EM waves travel with the same speed. ये तो सही लग रहा है मुझे. Longitudinal can be polarized, ये गलत है. Amplitude of reflection, energy भी गलत है. Frequency of energy greater than the frequency of ultraviolet, ये भी गलत है. सही. चलो अब है 13. The variation with distance x of the intensity I along a stationary sound wave in air is shown by the following graph. अब ये क्या कह रहा है इस सवाल में? ये sound wave है. सही है. Y axis पे intensity है और x axis पे distance है. The speed of sound in air is 340. What is the frequency of the sound wave? It's a lambda angle 1.5 meters. लेकिन इंटेंसिटी का क्या रोल है? या तो ये करते हैं कि टॉप टू टॉप ले लेते हैं, क्योंकि जहां इंटेंसिटी मैक्स होती है वहां से लेकर अगली जगह तक वो डिस्टेंस ले लेते हैं, क्योंकि हमें चाहिए वी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगेगा वी इज इक्वल टू एफ लेमडा. तो मैंने क्या किया है? अच्छा ये सवाल स्टेशनरी वेव पर है. स्टेशनरी वेव अभी हमने किया नहीं है, सॉरी स्टेशनरी वेव अभी हमने किया नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दें. ये करते हैं. Which statement about longitudinal waves is correct? Longitudinal waves include radio waves traveling through air. गलत लग रहा है. Longitudinal waves तो radio waves हो ही नहीं सकती. Particles in a longitudinal wave vibrate at right angles to the direction. ये भी गलत है. वो तो parallel होते हैं ना. Same type of longitudinal wave can be polarized. Polarization नहीं हो सकती. Stationary wave can be produced by the superposition of longitudinal waves. इसमें मसला ये है कि दो कॉन्सेप्ट ऐसे आ रहे हैं, सी और डी. सी तो कोर्स में नहीं है, डी मसला ये है कि आप लोगों ने भी करा नहीं है. तो ये वैसे तो खैर चलो ठीक है, लेकिन चलो फिर ये कर लेते हैं. नंबर 15, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट वेव्स कैन बी Express as this. What is the value of x? ये कर लेते हैं. अरे टेबल क्या? टेबल को छोड़ देना. इन दुकानदारों से मिल चुका था, इस सर जागा नहीं थे मुझे भेजा था इनके पास. ये वो तो है, लेकिन इसका टेबल होगा ना, तीन कोटेशन का. ये जो आपने लिखा इसका टेबल चाहिए ना. अब आपने इसमें से खुद ही लोएस्ट सेलेक्ट कर लिया. तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर सिर्फ नाम लिख देते हैं, प्राइस नहीं लिखते.
पीछे टेबल लगा के उसमें तीन प्रेसेस दे। अच्छा अच्छा अब ये फिर मसला आएगा जब वो सजा के पास जाएगा। ये जो दिखा दो सज्जाद को दिखा देना। अभी किसी और के लेने आएंगे कौन सज्जाद कमरान के लिए सज्जाद नहीं भेजा था तीन चाहिए तीन पूरे एक आप एक सवाली तीसरा उससे करा लो ठीक है सज्जाद अगर ने मुझे सुबह के बोल दिया बोलता जल्दी से अपना रिक्वेस्ट बना दो सही फिर वहां देख के सज्जाद को दिखा देना। टेन पावर 14 से 10 पावर 16 बी रेंज तो 10 पावर 14 से 10 पावर 16 तो फिर हाँ 15 होगा बी। अच्छा उसके बाद है ये वाला क्वेश्चन ये किस पर है वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी लैम्डा ये तो वो लग रहा है मुझे वो नहीं होता लीनियर लॉ y is equal to mx plus c हाँ तो वो ऐसा है ना नहीं वो ये कह रहा है which graph should he plot to give a straight line straight line का क्या मतलब straight line का मतलब होता है linear log कौन सा होता है वो y is equal to mx plus c देखो ये straight line का मतलब है y is equal to mx plus c मैंने ऐसे वर्किंग शो किया आप भी ऐसे करो v स्क्वायर v की जगह मैंने f लैम्डा रख दिया फिर मैंने फॉर्मूला खोल के सब्जेक्ट बनाया तो ये फॉर्मूला बन गया उसको मैंने कंपेयर किया y is equal to mx plus c ये लीनियर लॉ है जब भी स्ट्रेट लाइन का जिक्र आए तो आप समझ जाओ कि सवाल लीनियर लॉ पर है। ठीक है फिर इसको यहीं तक रोकते हैं और इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में करते हैं। इसका एक और भी तरीका क्या सर जैसे v और f लैम्डा उसको हम रीअरेंज करते हैं तो f स्क्वायर